केंद्र सरकार किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने की छूट देने के फैसले को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इसकी वजह से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को एमपी के किसानों के सवालों से जूझना पड़ रहा है। दरअसल उन्होंने एक देश एक बाजार योजना की जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया है। अब किसान इसी ट्वीट को शेयर करके पूछ रहे हैं कि अगर कहीं भी फसल बेचने की छूट है तो किसानों को मक्का और मूंग के सही दाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार मूंग की बंपर फसल हुई है, लेकिन सरकारी खरीद शुरू ना होने से किसान इसे औने पौने दाम पर ही बेचने को मजबूर है। 9 जुलाई को हरदा के खुले बाजार में एक किसान ने 3,641 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से मूंग बेची, जो सरकार की ओर आंकी जा रही लागत से भी कम है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के मुताबिक मूंग की प्रति क्विंटल लागत 4,749 रुपए है और इसी आधार पर मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 7,196 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। यानी एमपी के किसान को सीधे सीधे प्रति क्विंटल 3,555 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। फिर भी शिवराज सरकार अब तक मूंग की सरकारी खरीद करने पर कोई फैसला नहीं कर पाई है। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल इसके लिए वेयरहाउस खाली ना होने की वजह बता चुके हैं और ऐसे में किसान परेशान हैं और सोशल मीडिया के जरिए सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मध्य प्रदेश के सिवनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान नेता शिवम बघेल। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सर, पहले मक्के के दाम गिरे और अब मूंग का यही हाल है, किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है, तो उस पर सवाल बड़ा यही है कि क्यों सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। जी मैम, हमने मक्का किसान सत्याग्रह चलाए थे क्योंकि पहले मक्का का भी समर्थन मूल्य नहीं मिला है और वर्तमान में अभी भी खैर किसान सत्याग्रह अनावरत जारी है। हम मक्का के समर्थन मूल्य की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार ने 5 लाख मीट्रिक टन विदेश से मक्का मंगाने की छूट दे रखा है। ये यहाँ के किसानों, जो मक्का उत्पादक किसान हैं, उनके गाल में एक तमाचा है। दूसरा है कि यहाँ मूंग का भी उत्पादन हुआ है और जैसे कि आप भी बता रहे हैं स्क्रीन में कि किसान को 3500 रुपया, 3600 रुपया, 4000, 4800 और अधिकतम से अधिकतम 5200 रुपया प्रति क्विंटल मूंग के दाम मिल रहे हैं। ये हरदा की मंडी की बात है, ये जो पर्ची आप दिखा रहे हैं मैम, ये हरदा की मंडी की बात है जहां से कृषि मंत्री जी विधायक चुन के आए हुए हैं, हमारे वर्तमान कृषि मंत्री कमल पटेल जी। और 3 दिन पहले ही मैंने आपके स्वराज एक्सप्रेस से ही किसान बुलेटिन में उनका बाइट सुना था, जो बोल रहे हैं कि मूंग की खरीदी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ के मध्य प्रदेश के सारे वेयर हाउस भरे हुए हैं जी। लेकिन मैं आंकड़े से एक तस्वीर साफ कर दूं मैम कि मध्य प्रदेश में 129 लाख टन गेहूं की खरीदी की गई है, 50 से 55 लाख टन धान की खरीदी की जाती है और 15 लाख टन चना का लक्ष्य था जिसे 7 लाख टन मात्र खरीदी की जा सकी है। यहां 15 लाख टन उर्वरक रखने की भी जगह है, जो अब उर्वरक सीजन में किसान को वितरण हो चुका है तो वो जगह भी खाली हुई है। 15 लाख टन चना खरीदी का लक्ष्य था जिसको सिर्फ 7 लाख टन खरीदी किया गया है, तो 8 लाख टन वो जगह भी वेयर हाउस में खाली है। बहुत सारे वेयर हाउस जो प्राइवेट वेयर हाउस हैं वो खाली हैं, और जबकि आपको मूंग की खरीदी सिर्फ 1.5 लाख टन ही खरीदी करना है मैम, जब इतनी जगह खाली है तो आप सिर्फ मात्र 1.5 लाख टन मूंग की खरीदी क्यों नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते? उसके लिए ये बहाना बनाने वाली बात कैसे है कि यहाँ पर जगह खाली नहीं है जी। मूंग का उत्पादन मध्य प्रदेश में मैम पूरा जो नर्मदा घाटी का बेल्ट है, मतलब नरसिंहपुर से लगा के होशंगाबाद, हरदा, देवास, साजापुर, सुजालपुर और खंडवा में होता है, जहां से नर्मदा नदी बहती है। इन्हीं जगह पर पानी गर्मी के सीजन में सिंचाई की सुविधा होती है नर्मदा नदी से, जिससे किसान मूंग का उत्पादन करते हैं। तो मूंग के बाद शिवम जी, मैं यहाँ मक्के की भी बात आपसे करना चाहूंगी। मक्के की एमएसपी की बात करें तो वो खरीद के लिए किसानों ने ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है, लेकिन सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। अब मूंग के मामले में आगे की क्या रणनीति है आपके पास? जी मैम, मूंग के लिए हम एक आंदोलन तो करेंगे
और एक ऑनलाइन आंदोलन जो तो अभी जो किसान सत्याग्रह चल रहा है उसमें मूंग की मांग हम अनावृत उठाएंगे, उसके बाद मैम हम ग्राउंड में भी उतरेंगे, सड़कों में उतरेंगे, और वो हमारी उतरने की जगह होगी मैम हरदा। हरदा में जहां से कृषि मंत्री जी नॉमिनेट होके आए हैं, जहां के वो विधायक भी हैं, जहां जो उनका गृह जिला है, गृह क्षेत्र है, वहीं के किसान, और वहीं सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन हुआ है। और कृषि मंत्री जी साफ बहाना बता रहे हैं, तो उसके लिए हम एक योजना बना रहे हैं किसान, हरदा में ही हम एक बड़ा आंदोलन जरूर करेंगे यदि मूंग की खरीदी शुरू नहीं की गई तो। जी शिवम जी शुक्रिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं मूंग की खरीद में हो रही है देरी, जिससे किसान घाटे में है, और उसी को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन की भी बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के।